कान्हे का तो ये मुक्ति धाम है जहां पर मरने के बाद लोग यहां आया करते हैं, लेकिन ऐसे बात आपको बताना चाहेंगे जहां पर मौत की सौदागर भी रहा करते हैं। ये वो स्थल जहां पर मौत के सौदागर भी कई हैं, जहां पे बच्चे आज उसके हीरोइन पी पी करके मौत के कगार पर चले जाते हैं। समाज सेवी हैं हमारे साथ विश्वनाथ जी, इनसे हम बातचीत करेंगे कि यहाँ पे आए दिन जो लगातार हीरोइन की जो सेवन करने के बाद जो मौत हो रही है उसकी जिम्मेवार कौन है? यहाँ का प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है। मैं कितने बार इस वर्तमान पुलिस अधीक्षक महोदय से कहा कि आप इस पर रोक लगाए, बिना प्रशासन से मिले भगत मिली भगत से कैसे हीरोइन बेचेगा कोई? यहाँ पर बगल में पुलिस चौकी है, यहाँ केवल आइए, जब आइएगा तब शायद 200 आदमी मिलेगा। यहाँ करोड़ों का रोज बिजनेस हो रहा है, करोड़ों का बिजनेस है। क्या आरा से बाहर के भी लोग आते हैं यहाँ पे? पूरे देश के लोग यहाँ आते हैं, पूरे देश के लोग यहाँ आते हैं, पूरे देश के लोग, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पटना और छपरा और बक्सर का तो यहाँ लगभग लोग रहता है। हजारों परिवार बर्बाद हो गया, हजारों परिवार बर्बाद हो गया। किसी का घर बिक गया, किसी का मकान बिक गया, किसी की पत्नी जहर खार के मर गई। ये हीरोइन बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बिहार में विकास की बातें कही जाती है, लेकिन विकास मरता भी है। हम बात करेंगे आज, एक सौ भी बरामद हुआ नगर थाना क्षेत्र में, विकास की मौत हुई है, जिम्मेवार किसे मानते हैं? प्रशासन के मांगे और किसको मांगे? कैसे मौत कैसे हो गई? तो हमको कुछ पता नहीं है मौत कैसे। 8 दिन से वो लड़का फरार है मेरे पास घर से, 8 दिन से हम खोज रहे उसको। क्या हीरोइन भी सेवन किया करते थे? हमको कुछ पता नहीं है। जिस तरीके से हम लोग कह रहे हैं कि हीरोइन भी हीरोइन पीता होगा, लेकिन घर पर तो नहीं पीता है, हीरोइन पीता होगा, कोई थोड़ी लिमिट है कि नहीं पीता होगा। अगर वो वहाँ पर गए हैं तो उसका पॉकेट फरा हुआ है, पीछे का पर्स निकाला हुआ है, पैंट पूरा फाटल हुआ है उसका, सब छीन छान के कोई और कोई मार्ग मॉडल कर दिया है उसका। हमको क्या पता, हमको क्या पता बाबू जी। बिल्कुल, तो ये सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि लगातार जो आरा नगर थाना क्षेत्र के जो छापेमारी चला करता है, वो छापेमारी में भले ही दौर रहता है कि 2-4 दिन के बाद पकड़े जाते हैं, उस गिरफ्तारी के बाद में जो लगातार बाहर निकल करके जो उनकी कारोबार है वो निश्चित तौर पे फलता फूलता है और आज एक मौत की कगार पे भी आ चुका है। यहाँ पे एक बुजुर्ग भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर सुना जाता है कि मौत के सौदागर भी रहा करते, हीरोइन भी बेचा करते, क्या प्रभाव है? यस यस, बेचा जा रहा है और शमशान घाट पर भी आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हीरोइन चीज ज्यादा है यहाँ और हीरोइन बेचने वाले, हीरोइन बेचने वाले, खाने वाले जो है वो जाने, मतलब फोर्स का सीआईएसएफ का सहायक उप निरीक्षक से रिटायरमेंट हूँ जी। तो मुक्ति धाम पे आने वाले कई ऐसे स्थल हैं जो आसपास के हैं जहाँ पे हीरोइन बेचे जाते भी हैं और हीरोइन पीने वाले सेवन करने वाले लोग भी मौजूद रहा करते हैं। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।